नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सचिवालय घेराव मामले में धुरवा थाना ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई बीजेपी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की जनता के साथ हम खड़े हैं, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे। अगर सरकार हमारी गिरफ्तारी भी करना चाहती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यहाँ पर आए लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 3.5 करोड़ जनता की आवाज है और उस आवाज की अभिव्यक्ति है कि सरकार के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सरकार में कितना दमन करने की क्षमता है इसका भी हम सब लोग देखेंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी करना चाहती है उसके लिए भी हम तैयार हैं। निर्णय का भी सम्मान करने वाले कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, 3.5 करोड़ जनता के दुख का सहभागी है और उनकी हर मुसीबत के साथ हम खड़े हैं और झारखंड की जनता के साथ जो राज्य की सरकार दमनकारी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं और जिस प्रकार से यहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और विकास की शून्यता है, सारे सवाल पर हम आंदोलन आगे भी जारी करते रहेंगे।